स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो जवाब दिया है कि रामचरितमानस को लेकर के, कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं है ये? निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी ट्वीट के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी की भी टीम बनकर लगातार इस उत्तर प्रदेश में काम करती है, और ये एक उदाहरण नहीं है, ये एक मिसाल है जिसको आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो देन समाजवादी पार्टी की ही रही हो, चाहे वो 2007 के पहले का हो और चाहे 2017 के बाद का हो। ये रास्ता बनाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है जो इन धर्म विरोधी को, इन जातिवादी विरोधी पार्टियों को सत्ता शासन में स्थापित करती है, और इसी स्थापना को लेके आज समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर इस देश में पुनः धर्म निरपेक्ष जो देश है हमारा, उसमें धर्मों को, धर्म के लोगों को आपस में लड़ाकर बांटकर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए षड्यंत्र ये स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रचा जा रहा है। और जहां एक तरफ उनकी बेटी भाजपा से सांसद, निश्चित तौर पे ये भाजपा का एक रचा हुआ षड्यंत्र है जिसके तहत एक और वोट का ध्रुवीकरण इस साइड किया जाएगा और दूसरी और वोट का ध्रुवीकरण उस साइड किया जाएगा। अगर वो इतना ही वो सब करते हैं तो अपनी बेटी को वहां से क्यों नहीं निकालते हैं? और पूर्व में वो भी वहां के नेता रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत प्रदेश में ये षड्यंत्र चल रहा है कि जो हमें मिले वो हमें मिले, बाकी तुम्हें मिल जाए। तो अब ऐसा षड्यंत्र नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी लगातार लोगों की आवाज़ों को उठाती रहेगी। और जो आपने अभी अडानी और अंबानी के बारे में पूछा, निश्चित तौर पर आज सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ एक और शेयर गिर रहे हैं एलआईसी में, जो लोगों का, गरीब लोगों का पैसा एलआईसी